हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्सटाइल 2020। और आज हम डिस्कस करेंगे फैब्रिक डिज़ाइन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, हाउ टू रीड ए डिज़ाइन। इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम किसी भी डिज़ाइन को रीड करके ये पता लगा सकते हैं कि उस डिज़ाइन में कौन सी वीव है, क्या डेंटिंग प्लान है, क्या लिफ्टिंग प्लान है। मैंने देखा है कि मोस्टली स्टूडेंट्स को इन चीज़ों को समझने में काफ़ी दिक्कत आती है, इसलिए आज मैं इस टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि ड्राफ्टिंग प्लान क्या होता है, उसे कैसे रीड करते हैं, डेंटिंग प्लान क्या होता है और लिफ्टिंग प्लान क्या होता है, इन चीज़ों को कैसे रीड किया जा सकता है, कैसे समझा जा सकता है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ड्राफ्टिंग प्लान की। ड्राफ्ट होता क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है। ड्राफ्ट क्या है कि नंबर ऑफ हील शाफ्ट यूज्ड एंड द ऑर्डर इन विच वार्प एंड्स आर थ्रेडिड थ्रू द हील डाई ऑफ हील शाफ्ट। किसी भी डिज़ाइन को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितनी हील शाफ्ट की ज़रूरत है और उन हील शाफ्ट के अंदर से वार्प यार्न्स को हमने किस ऑर्डर में पास किया है, वो ड्राफ्ट कहलाता है किसी भी डिज़ाइन का। क्योंकि हमें वीविंग करने के लिए हील शाफ्ट की ज़रूरत पड़ती है। हील शाफ्ट बेसिकली वार्प यार्न्स को दो लेयर्स में डिवाइड करके शेड फॉर्मेशन का काम करती हैं, जिनके बीच में से हम वेफ्ट यार्न को पास करते हैं और वार्प एंड वेफ्ट की इंटरलेसमेंट होके फैब्रिक प्रोड्यूस होता है। तो ड्राफ्ट हमें ये बताता है कि हमें किसी भी पर्टिकुलर डिज़ाइन को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी हील्ड शाफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी और किस हील्ड शाफ्ट में से कौन सा थ्रेड हमें पास करना है। मान लीजिए एक डिज़ाइन के अंदर 10 एंड्स हैं, तो पहला एंड किस हील्ड शाफ्ट में से पास होगा, तीसरा एंड किस से होगा, पाँचवा एंड किस से होगा, मतलब हर एक एंड किस हील शाफ्ट में से पास होगा, ये हमें ड्राफ्ट से पता चलता है। प्रिंसिपल ऑफ ड्राफ्टिंग क्या है? प्रिंसिपल ऑफ ड्राफ्ट ये कहता है कि जो एंड्स सेम वर्क कर रहे हैं उनको हम एक हील शाफ्ट में से पास कर सकते हैं, जो एंड्स अलग अलग कर रहे हैं काम उनको हमें अलग हील शाफ्ट में पास करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवन्थ, ये एंड्स पहली पिक में लिफ्ट हो रहे हैं, अप हो रहे हैं, तो हम इन सभी एंड्स को एक हील शाफ्ट में से पास कर सकते हैं। 2, 4, 6, 8, मान लीजिए ये इवन नंबर ऑफ एंड्स हैं जो नेक्स्ट पिक में अप होंगे। मान लीजिए फर्स्ट पिक में ओड नंबर 1, 3, 5, 7 ओड नंबर ऑफ एंड्स फर्स्ट पिक में अप रहेंगे, तो हम इनको एक हील शाफ्ट में से पास कर सकते हैं। 2, 4, 6, 8 ये अगली पिक में अप रहेंगे, तो हम इनको अलग हील शाफ्ट में पास कर सकते हैं। अगर इन एंड्स की वर्किंग सेम है तो हम इनके लिए एक हील शाफ्ट यूज कर सकते हैं, और अगर इनकी वर्किंग सेम है तो इनके लिए एक हील शाफ्ट यूज कर सकते हैं। लेकिन इनकी वर्किंग और इनकी वर्किंग एक दूसरे से अलग है, इसलिए हमें दोनों के लिए डिफरेंट हील शाफ्ट यूज करनी पड़ेगी। तो प्रिंसिपल ऑफ ड्राफ्टिंग यही बताता है कि द एंड्स दैट वर्क अलाइक आर पुट ऑन द सेम हील शाफ्ट। जो एंड्स एक ही ऑर्डर में काम करते हैं उन्हें हमें एक हील शाफ्ट में रखना होता है, और जो अलग ऑर्डर में काम करते हैं उन्हें हमें अलग हील शाफ्ट में रखना होता है। इसको हम एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। जो सबसे सिंपल ड्राफ्ट हम यूज करते हैं, स्ट्रेट ड्राफ्ट, उसके थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो अब हम इस डिज़ाइन के थ्रू ड्राफ्ट को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैंने एक सिंपल डिज़ाइन बनाया है। इसके अंदर 12 कॉलम्स हैं और 4 रोज हैं। तो डिज़ाइन को रीड करने के लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। वो स्टेप्स क्या क्या हैं? सबसे पहला स्टेप है कैलकुलेट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, कि जो भी डिज़ाइन हमें रीड करना है, पता लगाना है, उसको उसके अंदर कितने कॉलम हैं वो कैलकुलेट करेंगे और कितने रोज हैं वो कैलकुलेट करेंगे। तो इस डिज़ाइन के अंदर 1, 2, 3, 4 रो हैं और 12 कॉलम्स हैं, तो हमने इसको नोट कर लिया। R मीन्स रो, 4, C
सी मीन्स कॉलम 12, तो रो यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रही है, यहां पर एक रो रिप्रेजेंट कर रही है वेफ्ट यार्न को और एक कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है वार्प यार्न को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसके अंदर 12 कॉलम्स हैं तो इसका मतलब है कि 12 वार्प यार्न इस डिजाइन के अंदर हमने यूज किए हैं, और अगर इसके अंदर 4 रोज हैं तो इसका मतलब 4 वेफ्ट हमें इस डिजाइन को प्रोड्यूस करने के लिए जरूरी चाहिए। तो हमने लिख लिया कि इस डिजाइन के अंदर 4 वेफ्ट यार्न हैं और 12 वार्प यार्न हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा डिजाइन को रीड करने के लिए, नोट डाउन द वर्किंग ऑफ फर्स्ट वार्प एंड। अब जो भी डिजाइन हमें मिला है हम उसकी फर्स्ट जो वार्प यार्न है, पहला जो एंड है, उसकी वर्किंग को नोट करेंगे। वर्किंग का मतलब क्या है कि उसके अंदर कहां पर क्रॉस है, कहां पर ब्लैंक है, और किसी भी डिजाइन के अंदर क्रॉस का मतलब होता है वार्प यार्न अप और ब्लैंक का मतलब होता है वार्प यार्न डाउन। तो अगर हम इस फर्स्ट वार्प यार्न की वर्किंग को अगर देखें, ये हमारा फर्स्ट वार्प यार्न है डिजाइन के अंदर, इसकी वर्किंग अगर देखें तो क्या इसकी वर्किंग ये दिखा रही है कि वार्प यार्न हमारा फर्स्ट वार्प यार्न फर्स्ट पिक के अप है, सेकंड पिक के भी अप है, थर्ड और फोर्थ पिक के डाउन है। मीन्स द वार्प यार्न इज अप ओवर द फर्स्ट पिक एंड सेकंड पिक एंड द वार्प यार्न इज डाउन अंडर द थर्ड एंड फोर्थ पिक। ये हमारे फर्स्ट वार्प यार्न की वर्किंग है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, पहले वार्प यार्न की वर्किंग हमने पता लगा ली। अगर हम इसको वीवर की भाषा में कहें तो वीवर सिंपली इसको बोलता है कि फर्स्ट वार्प यार्न की वर्किंग 2 up 2 down है, 1 up 2 up 2 down। तो वीवर की लैंग्वेज में हम इसको कहेंगे कि द फर्स्ट वार्प यार्न इज 2 up 2 down। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है डिजाइन को रीड करने का, नोट द वर्किंग ऑफ अदर एंड्स। बाकी एंड्स की भी वर्किंग को हमें नोट करना है, कब तक, टिल यू रीच वेयर द पैटर्न इज रिपीटिंग, जब तक हमारा पैटर्न ऐसे पॉइंट पे ना पहुंच जाए जहां से वो रिपीट हो रहा है, तब तक हमें उन वार्प यार्न्स की वर्किंग को रीड करना है। तो देखते हैं इसके अंदर हमारा डिजाइन कैसे, वन बाय वन हम सभी वार्प यार्न्स की वर्किंग को रीड करेंगे और कहां पर हमारा डिजाइन रिपीट हो रहा है वो हम देखेंगे इसके अंदर। तो अब हम इस डिजाइन के वन बाय वन एंड्स की वर्किंग को स्टडी करेंगे और उससे पता लगाएंगे कि कहां तक हमारा डिजाइन रिपीट हो रहा है। तो फर्स्ट एंड की वर्किंग अगर हम देखें तो 2 up 2 down, 1 up 2 up, फिर 2 down। सेकंड एंड की वर्किंग क्या है, 1 down 2 up and 1 down। फिर अगर थर्ड एंड पे हम जाते हैं तो उसकी वर्किंग है 2 down 2 up। फोर्थ एंड की वर्किंग 1 up 2 down, फिर 1 up। फिर फिफ्थ एंड की वर्किंग 2 up 2 down, फिर सिक्स्थ एंड की वर्किंग 1 down 2 up 1 down। तो इसका मतलब हमारे डिजाइन की जो वर्किंग है वो कहां पर रिपीट हो रही है, फिफ्थ एंड से रिपीट हो रही है। फर्स्ट एंड की वर्किंग और फिफ्थ एंड की वर्किंग सेम है, सेकंड एंड की और सिक्स्थ एंड की वर्किंग सेम है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा डिजाइन फोर्थ एंड के बाद वही ऑर्डर रिपीट कर रहा है। तो अगर हम फोर्थ एंड तक हमारे डिजाइन की रिपीट बनाएं तो वो कैसी बनेगी, तो ये हमारा डिजाइन बनेगा फोर एंड्स तक। ये हम इसको हम कह सकते हैं कि हमारे डिजाइन का ये स्मॉलेस्ट रिपीट है जो हमारे पूरे फैब्रिक के अंदर बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस डिजाइन के हिसाब से हम अपना ड्राफ्टिंग प्लान सेट करेंगे, लिफ्टिंग प्लान सेट करेंगे। कैसे करेंगे वो अभी देखते हैं। अब हम जो हमारा डिजाइन है उसका ड्राफ्टिंग प्लान क्रिएट करेंगे। तो ड्राफ्टिंग, ये हमारा डिजाइन था एक रिपीट, डिजाइन का स्मॉलेस्ट रिपीट। अब ड्राफ्टिंग प्लान क्रिएट करने से पहले हम थोड़ा स्ट्रेट ड्राफ्ट को समझने की कोशिश करते हैं।
और हम वही डिजाइन जो हमने पहले लिया था उसी को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, टू अप टू डाउन इस हिसाब से। तो स्ट्रेट ड्राफ्ट को समझने के लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर वन है कि नंबर द कॉलम स्टार्टिंग फ्रॉम वन फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट साइड से हम राइट की तरफ नंबर देंगे कॉलम्स को, जो हमारे कॉलम है डिजाइन के अंदर। तो हमने फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट नंबर दिया, सेकंड को सेकंड, और ऐसे करते हुए हमने 12 नंबर तक 12 कॉलम्स को नंबर दे दिए। ये पहला स्टेप है। स्टेप नंबर टू में हम क्या करेंगे कि जिन एंड्स की या जिन कॉलम्स की वर्किंग सेम है उनको हम सेलेक्ट कर लेंगे। कैसे सेलेक्ट करेंगे? जैसे पहला हमारा जो कॉलम है उसकी वर्किंग है टू अप टू डाउन, तो हमें पूरे डिजाइन के अंदर देखना है कि और कौन कौन से कॉलम है जिनकी यही वर्किंग है, जिनमें फर्स्ट और सेकंड पिक अप है, थर्ड और फोर्थ पिक डाउन है। तो एक तो ये हो गया हमारा। उसके बाद फिफ्थ, जो हमारा फिफ्थ कॉलम है उसमें भी फर्स्ट और सेकंड पिक के जो वार्प है वो अप है, थर्ड और फोर्थ में डाउन है। तो हमारा फर्स्ट और फिफ्थ सेम है, उसके बाद नाइन्थ सेम है। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट फिफ्थ और नाइन्थ एंड की वर्किंग जो है वो अलाइक है, सेम है, एक जैसी वर्किंग है इन तीन कॉलम्स की या इन तीन एंड्स की। उसके बाद ऐसे ही करते हुए हम जो सेकंड कॉलम है उसकी वर्किंग क्या है, वन डाउन टू अप वन डाउन, तो हम बाकी एंड्स में देखेंगे कि इसके जैसी वर्किंग कौन से एंड्स की है। तो सेकंड की है, उसके बाद सिक्स की है, और उसके बाद टेंथ की है। तो हम 2, 6, 10 इनकी वर्किंग सेम है, इसके अंदर भी फर्स्ट डाउन है, सिक्स के अंदर भी फर्स्ट डाउन है, और टेंथ के अंदर भी फर्स्ट डाउन है। फिर टू अप है, सिक्स के अंदर टू अप है, टेंथ के अंदर टू अप है, उसके बाद सेकंड में डाउन है, सिक्स में डाउन है, और टेंथ में डाउन। तो इनकी वर्किंग भी सेम है। ऐसे करते हुए हमने सभी एंड्स की वर्किंग देख ली और हमें ये पता लगा कि ये 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11, 4, 8, 12 जो एंड्स हैं उनकी वर्किंग सेम है। ये हमने चार ग्रुप बना लिए। इस ग्रुप के अंदर इन तीनों एंड्स की वर्किंग सेम है, इस ग्रुप में इन तीनों एंड्स की है, ऐसे करते हुए ये चार ग्रुप बना लिए। सो वी हैव फोर सेट हैविंग डिफरेंट वर्किंग। जो पहला सेट है उसकी वर्किंग दूसरे से अलग है और बाकी तीनों से अलग है, सेकंड की बाकी तीनों से अलग है, मतलब हर एक ग्रुप की वर्किंग एक दूसरे से अलग है। तो जो हमारा ड्राफ्टिंग का प्रिंसिपल है वो कहता है कि जिन एंड्स की वर्किंग सेम है उनके लिए हम एक हील शाफ्ट यूज कर सकते हैं। मतलब 1, 5, 9 के लिए हम एक हील शाफ्ट यूज करेंगे, 2, 6, 10 के लिए सेकेंड हील शाफ्ट यूज करेंगे, 3, 7, 11 के लिए थर्ड हील शाफ्ट यूज करेंगे, 4, 8, 12 के लिए फोर्थ हील शाफ्ट यूज करेंगे। तो मतलब हमें इस डिजाइन को बनाने के लिए टोटल 4 हील शाफ्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें 4 सेट हैं जिनकी वर्किंग अलग अलग है। सो वी नीड 4 हील शाफ्ट एज। उसके बाद स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, रोज को हील शाफ्ट के रूप में शो करेंगे और कॉलम को एंड्स के रूप में शो करेंगे। तो ये जो हमारा डिजाइन है इसमें हमने इनको शो कर दिया एंड्स की फॉर्म में और इनको शो कर दिया हील्ड 1, हील्ड 2, हील्ड 3 एंड हील्ड 4, 4 हील्ड शाफ्ट के रूप में हमने इनको शो कर दिया। अब इसके हिसाब से हम हमारा डिजाइन बनाएंगे और ड्राफ्टिंग प्लान बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो अब जो हमारा डिजाइन है उसके हिसाब से हम ड्राफ्टिंग प्लान ड्रॉ करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो हमने देखा कि हमारा डिजाइन 12 एंड्स में और 4 रोज में या 4 पिक्स में बन रहा है, तो उसके लिए हमें ड्राफ्टिंग प्लान के लिए भी हमें 12 वार्प यार्न और 4 वेफ्ट यार्न की जरूरत पड़ेगी। या हम कह सकते हैं कि ड्राफ्टिंग प्लान के लिए भी हमें 12 वर्टिकल कॉलम्स की और 4 हॉरिजॉन्टल रोज की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, ड्राफ्टिंग प्लान को जनरली हम डिजाइन के ऊपर बनाते हैं, टॉप में बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने 4 रोज ले ली, 12,
कॉलम ले लिए क्योंकि हमारे 12 वार्तयान हैं और 4 व्याख्यान हैं। तो जो हमने 4 रो ली हैं वो हमारी 4 हील्ड शाफ्ट को रिप्रेजेंट करती हैं, उसको हमने नंबरिंग दे दी 1, 2, 3, 4। इसका मतलब है कि फर्स्ट हील्ड शाफ्ट, सेकेंड हील्ड शाफ्ट, थर्ड हील्ड शाफ्ट, फोर्थ हील्ड शाफ्ट। ये करने के बाद हमने सबसे पहला सेट उठाया जिसकी वर्किंग सेम है। तो हमने देखा था कि हमारे 4 सेट बने थे। पहला सेट था 159 का, दूसरा सेट था 2, 6, 10 का, तीसरा सेट था 3, 7, 11 का और चौथा सेट था 4, 8, 12 का। तो हमने सबसे पहला सेट उठाया जिसकी वर्किंग सेम है, फर्स्ट हैंड, फिफ्थ हैंड, नाइन्थ हैंड, उसको हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। फर्स्ट हैंड 2 अप 2 डाउन है, फिफ्थ हैंड 2 अप 2 डाउन, नाइन्थ हैंड 2 अप 2 डाउन। अब इसके लिए हमने पहली हील शाफ्ट में से इन एंड्स को पास कर दिया क्योंकि इन तीनों की वर्किंग अलाइक है। मतलब जब ये हील शाफ्ट ऊपर उठेगी तो ये धागे जो हैं ये सारे अप हो जाएंगे, फर्स्ट, फिफ्थ, नाइन्थ। अब सेकंड सेट हम वहां पर ड्रॉ करेंगे। सेकंड सेट की वर्किंग हम देखते हैं। सेकंड सेट की भी वर्किंग सेम है, 2, 6 और 10। अब इनकी वर्किंग सेम है तो इसके लिए हमने नेक्स्ट हील शाफ्ट को यूज किया और यहां से इनको पास कर दिया। क्रॉस का मतलब है कि सेकंड हील शाफ्ट की इस हील्ड आई में से हम इन वार्प यार्न्स को पास करेंगे। ये हमारी सेकंड हील शाफ्ट, ये जो वर्टिकल कॉलम है इसके अंदर हील्ड वायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फर्स्ट हील शाफ्ट 1, 5 और 9 के लिए हमने बुक कर दी और सेकंड हील शाफ्ट 2, 6 और 10 के लिए कर दी। मतलब जब सेकंड हील शाफ्ट उठेगी तो वो अपने साथ सेकंड, 6 और 10 जो एंड्स हैं उनको अपने साथ ऊपर लेके जाएंगे। अब थर्ड सेट जो है उसकी वर्किंग है ये 3, 7, 11। तो थर्ड हील शाफ्ट हमने इन थर्ड ग्रुप के लिए हमने इसको बुक कर दी, या हम कह सकते हैं कि थर्ड हील शाफ्ट इन वार्प यार्न्स को कंट्रोल करेगी, इनकी अप या डाउन मूवमेंट के लिए थर्ड हील शाफ्ट रिस्पॉन्सिबल होगी। उसके बाद फोर्थ ग्रुप हमारा था जिसके अंदर ये वर्किंग थी वार्प यार्न्स की, तो 4, 8 एंड 12 ये वर्किंग सेम थी 4 की, 8 की और 12 की। तो इसके लिए हमने ये ग्रुप सेलेक्ट कर लिया या ये हील शाफ्ट सेलेक्ट कर लिया। तो ये हमने 4 हील शाफ्ट हमारे डिजाइन के लिए सेलेक्ट की और ये हमारा ड्राफ्टिंग प्लान बनेगा उसके लिए। इसको बोलते हैं स्ट्रेट ड्राफ्ट। फर्स्ट एंड फर्स्ट में से, सेकंड सेकंड में से, थर्ड थर्ड में से, फोर्थ फोर्थ में से, एक सीक्वेंस में, स्ट्रेट ऑर्डर में है, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्ट्रेट ड्राफ्ट। तो इस तरीके से हमने पहले डिजाइन को चेक किया, डिजाइन में चेक किया कि कैसे किस एंड की वर्किंग है। उसके बाद डिजाइन के अकॉर्डिंग हर एक ग्रुप के लिए हमने एक हील शाफ्ट सेलेक्ट की, हर डिफरेंट वर्किंग वाले ग्रुप के लिए हमने डिफरेंट हील शाफ्ट सेलेक्ट की। अलग अलग हील शाफ्ट यूज करके हमने टोटल 4 हील शाफ्ट में इस डिजाइन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका हमने ड्राफ्टिंग प्लान तैयार कर लिया। ये तरीका है ड्राफ्टिंग प्लान क्रिएट करने का किसी भी डिजाइन का। किसी भी डिजाइन को हमें पहले एनालाइज करना है, उसके अंदर कितने वार्प हैं, कितने वेफ्ट हैं, उसका मिनिमम रिपीट कितने में बन रहा है, और उसके बाद हमें देखना है कि जो वर्किंग है वार्प यार्न्स की या वेफ्ट यार्न्स की उस डिजाइन में वो कहाँ पर जाकर रिपीट हो रही है, कौन से ग्रुप हैं जिनकी वर्किंग सेम है, कौन से ग्रुप हैं जिनकी वर्किंग सेम है उनके लिए हमने एक हील शाफ्ट ली, फिर दूसरा ग्रुप है जिनकी वर्किंग सेम है उसके लिए दूसरी हील शाफ्ट, तीसरा ग्रुप जिसकी वर्किंग सेम है उसके लिए तीसरा, ऐसे करते हुए हमने पूरा ड्राफ्टिंग प्लान तैयार कर लिया। अब इसके बाद बात आती है लिफ्टिंग प्लान की। तो लिफ्टिंग प्लान कैसे तैयार कर सकते हैं हम किसी भी डिजाइन का, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको ड्राफ्टिंग प्लान का प्रिंसिपल और इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे कमेंट में बताइए कि कितने टाइप के ड्राफ्ट हम यूज़ कर सकते हैं वीव डिज़ाइन को प्रोड्यूस करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इससे रिलेटेड या दूसरे टेक्सटाइल से रिलेटेड टॉपिक्स के लिए आप हमारी वेबसाइट textilehelp.org विजिट कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज आप लाइक कर सकते हैं textilehelp.org के नाम से। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेक्सटाइल हेल्प ऑफिशियल के नाम से। उन सभी पेजेस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं। और जो भी हमारी लेटेस्ट एक्टिविटीज़ हैं रिलेटेड टू टेक्सटाइल वीडियोस, टेक्सटाइल टॉपिक, आप उन सबको चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।